अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसिफ जरदारी की तिबी बुनियादों पर जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी खसूसी बेंच ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केसेस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। अदालत ने दोनों मुकदमात में आसिफ जरदारी की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 1-1 करोड़ के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। लाहौर में वुकला का अमराज़े कल्ब के अस्पताल पर हमला, ऑपरेशन थिएटर में तोड़फोड़। लाहौर में वुकला और डॉक्टर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वुकला की बड़ी तादाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ICU और ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गई। इसके अलावा वुकला ने PIC में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया, जबकि अस्पताल के बाहर खड़े पुलिस एहलकारों ने भी वुकला को तोड़फोड़ से ना रोका। भेरा तालबा यूनियन की बहाली के बाद सरगोधा यूनिवर्सिटी में ATI की तरफ से हमदर्द सास कैंप लगा लिए गए। यूनियन की बहाली के बाद साबिका नाजम आसिम हुसैन ने वेलफेयर के काम करने के लिए पुरअज़्म मिशन में शामिल होने के लिए तालबा को दावत दे दी। यूनिवर्सिटी के तालबा ने बड़ी तादाद में ATI में शिरकत की। घोट की एक रोज कबल गुम होने वाले 7 साला मासूम अयाज लगारी की लाश गन्ने की फसल से बरामद कर ली गई। मासूम अयाज लगारी को गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। कत्ल में मुलविस 16 साला मुलजिम हबीब मकतूल बच्चे का रिश्तेदार है। पसरूर SHO थाना सबस्पीर असगर अली की मंशियात फिरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशियात फिरोश फरहान उर्फ डोना गिरफ्तार। मुलजिम से 1340 ग्राम चर्स बरामद करके पाबंदी सलासल कर दिया गया। थाना सबस्पीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।